एरा बेंटली कॉन्टिनेंटल आर, ये 1991 मॉडल कार है मेरे भाई। आज इसके पूरा बैटाटा जानेंगे इस कार के बारे में। ओके, इस कार का पूरा लुक दिखाऊं मेरे भाई, लास्ट तक वीडियो को बनाऊं। हेलो दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम विशाल शर्मा, स्वागत सबको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से भाई। आज आपको ऐसी कार दिखाऊंगा जो पूरा पूरा रोल्स रॉयस का लुक है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन रोल्स रॉयस में निकली ऐसा जाता है। तो भाई मैं इस बेंटली, ये गाड़ी है बेंटली कॉन्टिनेंटल आर, जो 1991 और 2003 के बीच में 13 साल हुआ टोटल, ठीक है। तो 13 साल में 1850 गाड़ियाँ टोटल बनी है, उसके बाद ये गाड़ी बनाई है। ओके, इसका मैं भाई अंदर भी दिखाऊंगा पूरा पूरा रोल साइज का डैशबोर्ड जैसा ही है। तो आइए मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। आज इसका मसाला बताऊंगा भाई, मसाला इसमें क्या है देख रहे हो ना, जितने भी रोल साइज का है पूरा स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग का जो व्हील है ये भी रोल साइज का ही लुक है। ये देखो जितना डैशबोर्ड में जितना इसका आरपीएम आरपीएम ए सी जेड जितना मीटर, ये भाई क्रूज कंट्रोल है। ओके, ये 1991 देखो क्रूज कंट्रोल उस टाइम टाइम पे था। एक कुछ चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये देखो इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग जो राकर है, जो जैसे आप लोग स्टीयरिंग देखो नीचे हो रहा है उस टाइम भाई, ये भी 1991 में इसका रिलीज कर दिया गया। तब से एक गाड़ियों का जो इस टाइम गाड़ियों का आ रही है ना, जो स्टीयरिंग का राकर है, वो 1991 में ये सब सिस्टम हो गया था। देख रहे हैं अब पूरा पूरा ये रोल साइज का सिस्टम है आगे अंदर। जैसे रोल साइज में देखते हैं ये पूरा एसी का जो ग्लोवर की एयर आती है वो ये सब सिस्टम इसमें। इसका गियर प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नीचे भी दिखा रहा हूँ। इसका पूरा इलेक्ट्रिकल गियर है, 1991 भाई इलेक्ट्रिकल गियर था उसका। तो हेलो व्यूअर्स, ये बता दूँ ये इसमें टू डोर है, ठीक है। जो पैसेंजर साइड जो रियर बैठते हैं, जो बैठते हैं उनको निकलने के लिए या अंदर जाने के लिए इसमें टू डोर दिया है, ठीक है। एक ही टू डोर ऐसे करेंगे तो जो टू डोर दिया है मेरा भाई, देख लो। तो पीछे अगर करेंगे तो आगे फिर भी होगा, ये ड्राइवर के लिए है, जो पैसेंजर नहीं है आगे जो बैठा रहेगा उसके लिए। बट ये जो टू डोर में जो रियर बैठा रहेगा उसको आगे करेगा, ये दोनों तरफ से खुल जाएगा इसका। जगवार में जैसे बोनट आती है वो जगवार की तरफ बोनट ऊपर होगा। तो ये 1991 में हमारे भाई देखो उस टाइम में भी इनमें टर्बो है, उस टाइम में भी टर्बो था, देख रहे हो ना। जो फिलहाल आपको टर्बो दिखा दूँ, टर्बो उस साइड है, नहीं टर्बो इधर है, देखो इसमें बस एक ही टर्बो है, ठीक है, ट्यून टर्बो नहीं है। अब इसको गाड़ी को ऊपर करता हूँ, उसके बाद आपको पूरा डाउन साइड का रिव्यू दे रहा हूँ। तो मैं इसका दिखा दूँ मेरे भाई, अब इसके पूरा ग्राउंड साइड का, ये रहा इसका इंजन का चैम्बर, देख रहे हो ना चैम्बर। ये रहा स्टीयरिंग, जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। और इसका रहा भाई गियर, जो बताया ना मेरा गियर का मसला जो मैं किया था, गियर का ये प्रॉब्लम जो इसका न्यूट्रन नहीं हो रही थी, रिवर्स हो रही थी, तो इसका मसला तो मसला इसमें है सब ए सी जेड। तो ये इलेक्ट्रिकल है सब सिस्टम, जिसमें दिखा दूँ मैं आपको, हर वायर पर लिखा है हर वायर पर इसका राइटिंग लिखा है। जैसे यहाँ इस वायर पे देखें रिले लिखा है, ठीक है, इस वायर पे पार्किंग लिखा है, जो गियर का शिफ्टर नहीं होती है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रा डी वो सब सिस्टम इसमें भी लिखा है मेरे भाई, उन्हीं का सब ये वायर भी है। इस वायर पे देखो लिखा है रिवर्स आर, इस वायर पे लिखा है एन, इस वायर पे लिखा है डी फोर, डी थ्री, डी टू, ये डी मोड है, ये न्यूट्रन है, ये रिवर्स है। एक वायर जो ये ऊपर है ये भी रिले का है। तो फिलहाल इसमें बता दूं गियर का प्रॉब्लम है, रिवर्स नहीं लग रही है, डीप मोड में चल रही है गाड़ी बट रिवर्स नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है रिवर्स का। तो ये रिले देख रहे हो ना, इस रिले में करंट नहीं आ रही है, लेकिन सब में करंट आ रहा है, लेकिन इस रिले वाले करंट नहीं आ रहा है। इसमें भी करंट आ रही है, रिवर्स न्यूट्रल पार्किंग हरे में करंट आ रहा है, बस एक रिले में नहीं करंट आ रही। ओके, तो इसका फिलहाल दिखा दूँ, ये इतना ये पूरा नीचे से गियर है, ग्राउंड सिस्टम है, जो लोकेशन है ग्राउंड का है। इसका डिफरेंस दिखा दो मेरे भाई, उस टाइम का देखो 1991 का डिफरेंस देख रहे हो, हम लोग का कितने साल हो गए टोटल। तो इसमें बता दूँ मेरे भाई, ये आगे से नहीं घूमता है, ठीक है, टायर आगे से नहीं नचता है, ये रियल व्हील है, ठीक है, जो रियर से व्हील है। ओके, रियर का पूरा पहिया नाचेगा तभी आगे से कोई ड्राइव होगा। ओके, तो जो सिस्टम है पूरा रियल व्हील है। ओके,
देख रहे हो ना इसका साफ वेस्ट जीट, ये सिस्टम। इस गाड़ी को मेरे भाई मैं अपने खुद बता रहा हूँ, इस गाड़ी को 34 साल हो गई है, 1991 2024 जोड़ लो टोटल 34 साल हो गए इस गाड़ी का। ओके तो इतना, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल आइकन और घंटी वाला चिन्ह दबाइएगा। ऐसे इटालियन और ब्रिटिशन कार मैकेनिक का वीडियो देखना है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही।